चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव भाटिया शेयर मार्केट डायरीज के एक और नए एक्साइटिंग और रिफ्रेशिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बात करेंगे कि बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि सर, शेयर बाजार में लालच और डर दो ऐसी चीजें हैं जो लगभग लगभग हर पार्टिसिपेंट को तंग करती हैं, कभी ना कभी कम या ज्यादा। तो कैसे लालच का फायदा उठाया जाए और डर से निजात पाकर उसका भी फायदा उठाया जाए, आज इस एपिसोड में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। और मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीजें आपके सामने शेयर करूंगा कि जिससे आपको काफी कुछ मदद मिलेगी एक लालच और डर के ऊपर काबू पाने में। तो आइए शुरू करें आज के एपिसोड को और जानने की कोशिश करें कि लालच के ऊपर कैसे काबू पाया जाए और डर को कैसे कंट्रोल किया जाए और इन दोनों चीजों का बखूबी फायदा उठाया जाए। आइए सबसे पहले बात करते हैं लालच की और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में लालच होता क्या है। और जब हम शेयर बाजार में या काम कर रहे हैं या हम जीवन में किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो वहां पर लालच का होना किस हद तक ठीक है, और यदि लालच है, हम लालची हैं, तो हमें लालच के ऊपर किस तरीके से काबू पाना है। लालच से मेरा मतलब यहाँ पर दोस्तों ये है, इस संसार में हर किसी को लालच है। यहाँ पर किसी को शोहरत का, किसी को दौलत का, किसी को प्यार का, किसी को मान का, किसी को सम्मान का। लेकिन जब हम शेयर बाजार की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लालच है पैसे का। लालच होना बहुत अच्छा है, अगर लालच आपके अंदर नहीं होगा, ग्रीडीनेस आपके अंदर नहीं होगी, तो इट मींस कि आपके साथ जो हो रहा है आप उससे खुश हैं और आप जीवन में आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो शेयर बाजार है या इस संसार में कोई भी फील्ड है, अगर उस फील्ड में आप एक शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, तो जैसा मैंने अभी भी कहा, लालच होना आपके अंदर बहुत जरूरी है। लेकिन गलती हम कहां करते हैं दोस्तों, उस लालच को पूरा करने के लिए हम ये चाहते हैं कि वो काम आज ही हो जाए, या उस काम को पूरा करने के लिए हम गलत रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमें लालची तो बनाता ही है, साथ ही साथ हमारे उस लालच को पूरा करने में असल में बाधाएं खड़ी करता है। और हम उस लालच को पूरा करने के चक्कर में ऐसे बहुत से गलत काम कर जाते हैं जो कि हमें शायद नहीं करने चाहिए, और इसी वजह से हम जीवन में लालची होने के बावजूद भी उन सक्सेसफुल लोगों के सामने पीछे रह जाते हैं जो असल में वो लोग भी लालची हैं, लेकिन उस लालच को पूरा करने के लिए वो सक्सेसफुल लोग सही रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, पेशेंटली अपने लालच को पूरा करने के लिए टाइम देते हैं और फिर अपने उस लालच के ऊपर काम करते हुए असल में लालचपन का फायदा उठा करके अपने शिखर तक पहुंचते हैं। एक कॉमन चीज जो मैं अक्सर लोगों के अंदर देखता हूं, वो रातों रात, जैसे मैंने कहा, अमीर होना चाहते हैं। उनका एक टारगेट वो सेट करके चलते हैं कि 1,00,000 रुपया रोज का मैं कमाना शुरू कर दूं, 10,000 रुपये मैं रोज के कमाना शुरू कर दूं। तो दोस्तों, ये अपने आप में जो एक मानसिकता है, ये जो लालच वाली एक मानसिकता है, ये अपने आप में एक गलत चीज है। आप अपना एक मंथली, क्वार्टरली, ईयरली टारगेट रखें, बजाय के रोज 1,00,000 रुपए कमाने के। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं दोस्तों, अगर आपका ट्रेडिंग प्लान, आपकी स्ट्रेटजी सही है और आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर इन्वेस्टर हैं, आप डेफिनेटली 30,00,000 रुपए महीना कमा लेंगे। लेकिन 1,00,000 रुपए रोज कमाने की बजाय आप 30,00,000 रुपए महीना कमाने की सोचें, डेफिनेटली आप वो कमा लेंगे। लेकिन अक्सर लोग इसी लालच में रह जाते हैं कि 1,00,000 रुपए रोज का आना चाहिए, 30,00,000 रुपए महीने का आना चाहिए या 36,00,000 रुपए साल के बनने चाहिए। ऐसा होना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। आप एक क्वार्टरली, मंथली बड़ा टारगेट रखिए, बजाय के छोटे छोटे टारगेट रखने के, क्योंकि अक्सर वो छोटे छोटे टारगेट पूरा करने के चक्कर में, उसी लालच के चक्कर में हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं सही ट्रेडिंग प्लान सिस्टम होने के बावजूद भी, जो कि असल में हमें नहीं करनी चाहिए। तो यहां पर हमें थोड़ा सा काबू पाने की जरूरत है। मैंने अक्सर ऐसा देखा है बहुत से लोगों के साथ कि जहां आपके 1, 2, 3, 4 ट्रेड कॉन्सिक्यूटिव ट्रेड्स आपके ठीक होने शुरू हुए, आपको ऐसा लगने लग जाता है कि बस मार्केट को चलाने वाला मैं ही हूं, इस बाजार को ऑपरेट करने वाला मैं ही हूं, इस बाजार को डोमिनेट करने वाला मैं ही हूं, मैं सब कुछ इस बाजार के बारे में जानता हूं। और यकीन मानिए दोस्तों, जब आपकी ये सोच बन जाती है, आपको वहीं पर ही आप सबसे बड़े गलत है। साइकोलॉजिकली जब आप इस मार्केट को ऐसा समझने लग जाते हैं कि मुझे मार्केट की सारी समझ है और मार्केट मेरे अनुसार ही चलेगी, या मुझे कोई ऐसी चीज मिल गई है जिससे मैंने मार्केट को डोमिनेट करना शुरू कर दिया है, दोस्तों असल में प्रॉब्लम वहीं से ही शुरू हो जाती है। क्योंकि आप अब मार्केट को नहीं समझ रहे हैं, आप मार्केट को कुछ समझाना चाहते हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। और जितनी जल्दी हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे, आप यकीन मानिए वो जो लालच आपके सिर पर सवार है, वो अपने आप दूर होना शुरू हो जाएगा। तीसरी एक कॉमन जो मिस्टेक है दोस्तों, जो हमें लालची होने पर मजबूर करती है और असल में वो लालच हमसे ये काम करवा देता है, वो क्या कि हम अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स को लेने की बजाय हम लो प्राइस स्टॉक्स की तरफ भागते हैं, हम क्वांटिटी की तरफ भागते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत मानसिकता है। हमें लो प्राइस स्टॉक्स या क्वांटिटी
अर्निंग पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अक्सर हम ये मानसिकता में लोगों की देखता हूँ कि अरे मेरे पास 1 लाख रुपया है, 10 रुपए वाला शेयर ले लो और वो 1 लाख रुपए के अंदर 10,000 शेयर आ जाएंगे तो उसके साथ मैं काम करूंगा और 2 रुपए भी मिल जाएंगे तो मेरे 20,000 रुपए रोज के बनने शुरू हो गए। लेकिन यही मानसिकता गलत है। आप लो प्राइस स्टॉक की बजाय, बड़ी क्वांटिटीज की बजाय हाई क्वालिटी स्टॉक्स में जाइए। बचपन में हमने एक मुहावरा अपनी 10वीं क्लास के अंदर पढ़ा था दोस्तों, और वो क्या कि सस्ता रोएगा बार बार, महंगा रोएगा एक ही बार। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, वो मुहावरा असल में हम भूल गए और जब इस बाजार में आते हैं तो हमें उसी मुहावरे को याद रखना है। हमें छोटे पैनी स्टॉक्स की तरफ नहीं भागना है, हमें क्वांटिटी की तरफ नहीं भागना है, क्योंकि वो जो सस्ती चीज है वो आपको बार बार रुलाएगी। लेकिन अगर इसी की बजाय आप एक 500, 800, 1000, 2000, 5000 रुपए का अच्छा क्वालिटी स्टॉक्स खरीदें, जो कि आपको चाहे 2-4-5 रुपए की मूवमेंट रोज दे दे, लेकिन उसके अंदर डेफिनेटली आपका पैसा धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो सबसे बड़ी गलती, जो ग्रीडीनेस हमें हमारी मानसिकता को खराब करती है, वो ये कि हम क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी पे या लो प्राइस स्टॉक्स पे ध्यान देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। और ये एक सबसे बड़ा कारण है, अगर हम इससे निजात पा लें तो हम अपने ऊपर लालच को हावी होने से काफी हद तक रोक सकते हैं। चौथी और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण चीज दोस्तों, जो लालची होने पर हमें मजबूर करती है और हमसे गलत काम करवाती है, वो क्या कि एज अ ट्रेडर, चाहे मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं या पोजिशनल ट्रेडर हूं, हमें एक हैबिट हो जाती है रोज ट्रेड करने की, हर समय ट्रेड करने की, हर समय हमें बिजी रहने की। इस मार्केट में हमारा कोई सौदा होना चाहिए तो हम अपने आप को बड़ा ही कामयाब ट्रेडर इन्वेस्टर मानते हैं कि हम बहुत ही रेगुलर ट्रेडर हैं। इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहना है, इस मानसिकता को बदलना है, इस लालचीपन के अंदर नहीं आना है कि हर समय मेरा ट्रेड होना चाहिए, हर मोमेंट मुझे खानी है। ऐसी कोई रूल नहीं है दोस्तों, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। इस मानसिकता की बजाय, इस लालच की बजाय कि मुझे हर मूव खानी है, हर समय मेरा कोई सौदा सिस्टम में होना चाहिए, बाजार के अंदर मैं हर समय पार्टिसिपेटेड रहूं, इस सोच की बजाय मुझे ये रखना चाहिए कि मेरे को कम से कम सौदे करने हैं, कम से कम ट्रेड लेने हैं, कम से कम मार्केट में आना है, लेकिन जब लेना है, जब करना है, वो मेरा सौदा, वो मेरा ट्रेड सही जगह पर, सही भाव पर, सही समय पर होना चाहिए, बजाय इसके कि मैं हर समय मार्केट में इन्वॉल्व रहूं, मैं हर समय ट्रेडिंग करूं। ऐसा कोई रूल नहीं है, जो हर समय बाजार में लगा रहेगा वो ज्यादा पैसा बनाएगा। इतिहास गवाह है, और आप उठा करके देखिए ऐसे लोगों का डाटा जो इस बाजार में कामयाब हैं, या आप उन लोगों के इंटरव्यू सुनिए, वो साल में 1-2-4 ट्रेड करते हैं दोस्तों। कोई जरूरत नहीं है रोज रोज ट्रेडिंग करने की, कोई जरूरत नहीं है रोज रोज काम करने की, या कोई जरूरत नहीं है कि हर समय आपका कोई सौदा मार्केट में हो। याद रखिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं कि एक सिंगल ट्रेड आपका घर बनाने के लिए काफी है, कोई जरूरत नहीं है कि मेरे पास 10 ट्रेड हो। बिल्कुल दोस्तों, मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से आपके साथ आज ये बात शेयर कर रहा हूं। आप एक सिंगल ट्रेड चुने, एक ऐसा ट्रेड चुने कि जहां पर आप सही भाव पर, सही समय पर, सही जगह पर उसके अंदर एंट्री लें और एक लंबी मूव उसके अंदर खाएं, चाहे वो अपसाइड की हो या डाउनसाइड की हो। और यकीन मानिए दोस्तों, साल में 1-2 ट्रेड भी अगर आपको ऐसे मिल गए, जी हाँ दोस्तों, साल के अंदर, पूरे एक साल के अंदर 1-2 ट्रेड भी अगर आपको ऐसे मिल गए जहां पर आपने एक लंबी मूव खाई, चाहे वो डाउनसाइड की थी या अपसाइड की थी, आप यकीन मानिए वो पूरे साल का आपको वो प्रॉफिट देगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, आप यहां पर काम उस ब्रोकर के लिए करने आ रहे हैं या अपने लिए करने आ रहे हैं। अगर आप अपने लिए करने आ रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है रोज रोज काम करना। इस लालच में मत पड़िए कि मुझे रोज रोज काम करना है, इस लालच में भी मत पड़िए कि मुझे मार्केट की हर मूव खानी है, इस लालच में भी मत पड़िए कि मुझे हर हैपनिंग को डिस्काउंट करना है, इस लालच में भी मत पड़िए कि आरबी पॉलिसी वाले दिन भी मैं पैसा कमाऊं, इलेक्शन वाले दिन भी मैं पैसा कमाऊं, एक्सपायरी वाले दिन भी मैं पैसा कमाऊं और हर रोज मैं पैसा कुछ ना कुछ कमाऊं। बजाय इसके आप लालच ऐसा रखिए कि मेरे को एक अपना टारगेट सेट कीजिए कि साल के अंदर मुझे इतने पैसे कमाने हैं, और उसके लिए अगर मुझे 1-2 ट्रेड भी मिल जाएं तो मैं उसके अंदर बैठ करके आराम से मैं एक बड़ी मूव खाऊंगा और अपने पैसे से पैसा बनाऊंगा। तो इस तरीके का अगर आप लालच रखेंगे तो डेफिनेटली आप एक दिन तरक्की के रास्ते पर पहुंचेंगे। ये तो बात हुई दोस्तों ग्रीडीनेस की, ग्रीड की, लालच की। अब बात करते हैं डर की, फियर की। ये बात बिल्कुल सही है, मैं भी इस बात से एग्री करता हूं कि इस मार्केट में बड़े से बड़ा महारथी हो वो भी एक ना एक दिन नुकसान खाता है। नुकसान होना इस बिजनेस का, इस व्यापार का पार्ट है। आप उससे घबराइए मत, उससे डरिए मत। गैप अप्स, गैप डाउन्स होना इस बाजार की एक फितरत है, इस बाजार का, इस बिजनेस मॉडल का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। हम लोग उससे अछूते नहीं है, चाहे हम जितने भी इंटेलिजेंट या स्मार्ट ट्रेडर इन्वेस्टर बन जाएं, ये सब होना स्वाभाविक है, क्योंकि बाजार अपने आप में इतना बड़ा है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतने बड़े बाजार है, जो कि सिर्फ सिंगल
इंडिया से ही रिलेटेड नहीं है, हम बाहर की इकोनॉमी से भी प्रभावित होते हैं। ऐसे बहुत से फैक्टर हैं जिनका प्लस या माइनस होना हमारे बाजारों पर, हमारे उन स्टॉक्स पर जिनमें हम निवेशित हैं या जिनमें हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे इंट्राडे या पोजिशनल, उनके ऊपर कुछ ना कुछ कम या ज्यादा आए दिन प्रभाव डालते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे इतना डर जाएं, हम उनसे इतना प्रभावित हो जाएं, उस डर को हम इतना अपने ऊपर हावी कर लें कि हम काम ही ना कर पाए, या हमें ऐसी सोच रख लें कि जो आज हो रहा है बस वही सत्य है, कल पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो इस डर से हमें निजात पानी है दोस्तों, इस डर को इतना हावी नहीं करना है। वो डर को हावी करने की बजाय आप अपने सिस्टम को, अपनी स्ट्रेटेजी को, अपने प्लानिंग को, उसको हावी कीजिए कि नहीं, मुझे उस पर विश्वास है, वो जो कह रहा है वो ठीक है, जब वो मुझे कहेगा बाय करना है मैं बाय करूंगा, जब वो मुझे कहेगा सेल करना है मैं सेल करूंगा, जब वो मुझे कहेगा प्रॉफिट बुकिंग करनी है मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, जब वो मुझे कहेगा रीएंट्री करनी है मैं रीएंट्री करूंगा, और इस तरीके से अपनी तरक्की के रास्ते पर चलूंगा। तो डर को हावी नहीं करना है दोस्तों। लेकिन डर को हावी ना करने का कई बार लोग ऐसा मतलब भी निकाल लेते हैं कि वो मार्केट की सुनते ही नहीं है, वो मार्केट को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, और यहीं पर ही, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ग्रीडीनेस के बारे में कहा, कि वहीं पर ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो डर आपको इतना रखना है जैसे आपको एक सही इंसान बनने के लिए एक भगवान का डर होना बहुत जरूरी है। आप चाहे बंद कमरे में अपने अकेले में जितने भी मर्जी गलत काम करें, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये फीलिंग होती है कि कोई ऊपर वाला, वो ईश्वर, वो डिवाइन पावर हमें देख रही है, जहां अंत में जाकर के हमें जवाब देना है, और हम वो गलत काम करने से अपने आप को रोक लेते हैं। सिमिलरली दोस्तों, यहाँ इस शेयर बाजार के अंदर भी जब हम पैसा कमाने आते हैं, जब अपना पैसा कुछ निवेश करते हैं या ट्रेड करते हैं, तो हमें उस डर को हावी नहीं होने देना है, हमें अपने प्लानिंग पर, अपने सिस्टम पर भरोसा रखना है। लेकिन हमें इतना भी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है कि हम उस डिवाइन पावर को भूल जाए। और वो डिवाइन पावर यहाँ पर क्या है दोस्तों, वो अल्टीमेटली बाजार है, बाजार अपने आप में सुप्रीम है, बाजार अपने आप में खुद एक डिवाइन पावर है, हमें उसके हिसाब से चलना है, हमें उसको अपने हिसाब से नहीं चलाना है, ना ही हम चला पाएंगे, चाहे हम 500 रुपए के आदमी हैं या 5000 करोड़ रुपए के आदमी हैं, हमें बाजार के हिसाब से ही चलना है। तो हमें डर इतना रखना है कि हमारे ऊपर एक ऐसी डिवाइन पावर, एक ऐसा बाजार, एक ऐसा सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है जिसके हम हिस्सा हैं, और अगर उस हिस्से में हमने कामयाबी पानी है तो हमने उस हिस्से में अपना एक सिस्टम डेवलप किया है, और उस सिस्टम को हम फॉलो करेंगे, हम उस डिवाइन पावर को अपने अनुसार चलाने की कोशिश नहीं करेंगे। सो कहने का मतलब क्या है कि हमें डर के ऊपर काबू तो पाना है, लेकिन उस डर से इतना ज्यादा फियरलेस नहीं हो जाना है कि अल्टीमेटली हम उस डिवाइन पावर को, उस डिवाइन मार्केट को, जो मार्केट अपने आप में सुप्रीम है, सबसे बड़ी है, हम उसको भी भूल जाएं और उसको अपने अनुसार चलाने लगें। तो मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों क्या है कि डरना जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि हम काम ही ना कर पाए, या इतना नहीं कि हम जो ठीक भी कर रहे हैं और उसके अंदर डर कर भी हम निकल जाए। तो हमें डरना नहीं है किसी छोटे मोटे लॉस से, बल्कि अगर कहीं पर लॉस हुआ है, हमने कोई गलतियां करी हैं, तो वहां पर डरने की बजाय हमें उन गलतियों से सीखना है, समझना है, उन्हें सुधारना है और जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करना है। अगर मेरा ट्रेडिंग प्लान, मेरा ट्रेडिंग सिस्टम, मेरा इन्वेस्टमेंट सिस्टम, मेरी प्लानिंग, मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अगर सही है, और सही होने के बावजूद भी अगर वो चीजें मुझे तंग कर रही हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा मेरे शब्द, जो चीज जितना ज्यादा तंग करेगी, या यकीन मानिए अंत में जाकर के वो उतना ही बड़ा पैसा देगी। लेकिन जरूरत है हमें उस जगह पर अपनी उस सही प्लानिंग स्ट्रेटजी के साथ टिके रहने की। लेकिन अक्सर होता क्या है कि हम उन 1, 2, 3, 4 कॉन्सिक्यूटिव लॉसेस के बाद इतना डर जाते हैं, उस डर को, उस फियर को अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि जब सही होने का समय आता है, जब सही होने का टाइम आता है, जब सही होने की चाल शुरू होने वाली होती है, आइदर साइड चाहे ऊपर या नीचे की, तब तक हम उस चीज को छोड़ चुके होते हैं, और बाद में फिर हम बोलते हैं कि अगर मैं इसके साथ टिका रहता, अगर मैं यहाँ पर बना रहता, तो मेरे को आज मेरा लॉस भी कवर हो चुका होता और आज मैं प्रॉफिट में होता। ये अक्सर ये चीजें दोस्तों हम सभी के साथ होती हैं, और यकीन मानिए आज भी हमारे साथ होती हैं। लेकिन यहाँ पर फर्क क्या होता है एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर के बीच में, कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर कॉन्सिक्यूटिव 2-3 अच्छे प्रॉफिट्स मिल जाने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता, उस लालच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, वो अपने सिस्टम के अनुसार ही चलता है, वो ऐसा गलतियां नहीं करता कि 2 अच्छे प्रॉफिट्स मिल गए और इस बार उसकी 100 शेयर की क्वांटिटी थी, तो वो तीसरे ट्रेड में सीधा 1000 क्वांटिटी ले लेगा या मार्केट को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करेगा। नहीं, वो ये सब गलतियां नहीं करते हैं, वो सेम क्वांटिटी, सेम स्ट्रेटजी, सेम जगह पर जहां अपने सिस्टम को फॉलो करते हुए वो काम करते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। सिमिलरली जहां पर उनके 2-3 लॉसेस अगर
कॉन्सिक्यूटिव हो जाते हैं, जहां पर दो तीन चीजें उनके साथ ऐसी कुछ गलत हो जाती हैं, तो वो डरते भी नहीं है और अपने सिस्टम को फॉलो करते रहते हैं या उसकी रीचेकिंग करते हैं और उसके ऊपर जो भी उनको प्लस या माइनस करना होता है वो करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने बात करी डर और लालच की, कि डर और लालच दोनों ही चीजें होनी बहुत जरूरी है, अच्छी चीज है, लेकिन एक लेवल तक। अगर उस लेवल के बाद हम डर या लालच दोनों में से किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी कर लेंगे तो डेफिनेटली वो वहां पर रिवर्स एक्शन करना शुरू कर देगा। उम्मीद करता हूं आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आप लोगों को जरा सा भी कुछ सीखने को मिला हो, आपको लगा हो कि वाकई जो मेरी बातें मैंने बोली हुई है वो काम की है, इन चीजों को, इस वीडियो को अपने तक ही मत रखें दोस्तों, अपने जानने वालों के साथ, जो भी इस बाजार में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं मेरे भाई बहन, उन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि थोड़ी सी उनकी मानसिकता भी बदले, उनको भी अपनी गलतियां पहचानने में मदद मिले और वो अपनी गलतियों को सुधारें। और यदि आप में से कोई भी मेरा भाई बहन किसी और अन्य टॉपिक पर कोई वीडियो देखना चाहता हो, आपके कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो निसंकोच नीचे मेरा ईमेल आईडी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां पर लिखें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी क्वेरीज का आंसर देने। और अंत में जाते जाते दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक और नए इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।